स्वागत है आपका मेरे चैनल हैकटेक में और मैं हूं सुमित। और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ओपन शॉट सॉफ्टवेयर जो है उससे अपनी वीडियो कैसे प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिससे आप अपनी वीडियो को बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर और मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप कैसे वीडियो एडिट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और इसमें आपको सबसे पहले ये 5 टूल्स दे रखे हैं ऊपर, उनमें बताता हूँ आपको क्या क्या है। हमारा सबसे पहला है फाइल। इस फाइल में जाकर आप अपने न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, रिसेंट जो आपने प्रोजेक्ट बनाए उन्हें देख सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और सेव प्रोजेक्ट ऐसे यानी कि आप रीनेम कर सकते हैं, फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको फाइल को इम्पोर्ट करना बताऊँगा। तो हमारा सबसे पहला जो फाइल को इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको जो भी वीडियो लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये वीडियो लूँगा, इस पर क्लिक कर आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जब आपकी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। अब इस वीडियो को मैं ड्रैग करूँगा ट्रैक 5 पर। जैसे मैं इसको ट्रैक 5 या मेरी ट्रैक 4 पर ड्रैग हो चुकी है, जब ये ट्रैक 4 पर ड्रैग हो जाएगी उसके बाद आप इसको थोड़ा एडजस्ट करके शुरू में ले आएँ और ये जो कर्सर है इसको भी आप शुरू में ले आएँ। मैं इसको शुरू में ले आता हूँ। जब मैं इसको शुरू में ले आऊँगा अब ये हमारी वीडियो हो चुकी है इम्पोर्ट। अब इसमें जैसे कि आपको टाइटल लगाना है तो टाइटल लगाने के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखा है टाइटल का, और इसमें क्लिक कर हम टाइटल जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टाइटल दे रखे हैं। अब यहाँ पर आप कोई सा भी टाइटल उठाकर जोड़ सकते हैं, जैसे ये जोड़ें कोई सा भी आप जोड़ सकते हैं। तो यही होगा आपका टाइटल जोड़ना। और जो हमारा अगला है कट, इस वीडियो में आपको कट लगाने पड़ेंगे। आपको कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वीडियो को उनको कैसे हटाएं, उसके लिए आपको ये जो कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ला देगा पहला कट, ये हमारी वीडियो कट चुकी है। इसी तरीके से आप इसमें दूसरा कट लगा देंगे। अब आप कट लगाना सीख गए तो जब आप इसको कट लगाने के बाद इसे कंप्लीट कर दें तो आपको कैंची वाला निशान को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसे हटाने के बाद अगर आपने कहीं और क्लिक कर दिए तो वो कट होना दोबारा से चालू हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका कट। अब मैं इसमें से आपको ऑडियो जो है आपकी वीडियो की उसको रिमूव करना बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे सेपरेट ऑडियो में, उसके बाद आप जाएंगे सिंगल क्लिप में। अब जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपकी क्लिप जो होगी सिंगल क्लिप की ये खुल जाएगी। एक मिनट रुकिए, ये आपकी खुल चुकी है। ये जो है नीचे वाली है ऑल चैनल्स पर, ये आपकी ऑडियो है, देख सकते हैं आप ऑडियो है। आप इसको रिमूव कैसे करेंगे? अगर आपको इसको रिमूव करना है सबसे पहले आप इसे राइट क्लिक करेंगे रिमूव के लिए। ये जो वीडियो है ये वाला पार्ट वीडियो का, इसमें से आपकी जो ऑडियो है वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है, ठीक है। और इसमें आपने वीडियो को इम्पोर्ट करना सीख लिया, वीडियो को या कैसे इसमें से वीडियो में से साउंड को हटाना सीख लिया, कट्स लगाने सीख ली, ऑडियो हटाना सीख लिया। और आपको जैसे कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मुझे हटाना, तो राइट क्लिक करेंगे रिमूव क्लिप, इससे आपकी जो क्लिप होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा वीडियो को एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अगर आप इसमें वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्रोमा की का भी ऑप्शन मिल जाएगा। क्रोमा की करने के लिए सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो आप अगली वीडियो आएगी इसमें आपको क्रोमा की का यूज़ करना बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाएगी एक्सपोर्ट। ये आ चुकी है आपका। आप इसमें से कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ SP। ये नाम देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजोल्यूशन जो भी है, वीडियो क्वालिटी हाई। इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। तो इसमें आपने सीखा वीडियो को इम्पोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इसमें कट्स कैसे लगाते हैं, इसमें ऑडियो कैसे रिमूव करते हैं, जो हमारी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे रिमूव कैसे करते हैं, और फाइल में आपने देखा क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपको क्रोमा की का यूज़ करना और कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी डालूँ, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और भी काफ़ी सारी फीचर्स हैं जिनसे आप और अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।